और ईमानदारी के प्रबल समर्थक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से मैं पंडित जी के चरणों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म, जो उनकी वास्तविक जन्मभूमि है, वह उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक छोटे से गांव में उनकी जन्मभूमि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने शिक्षा उत्तर प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में अर्जित की। बचपन से ही अपने धुन के पक्के और कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते स्कॉलरशिप मिलती गई और उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई। भारत और भारतीयता के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा के पर्याय के रूप में उसका संवाहक माना और उनका स्पष्ट कहना था कि भारतीय दृष्टिकोण विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी उनकी धारणाएं बहुत स्पष्ट थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि इसका पैमाना सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। हमने प्रगति कितनी की है, इसका मापक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं हो सकता, बल्कि सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि हम कहां सफल हुए, कहां विफल हुए। और यही अंत्योदय की उनकी अवधारणा स्वतंत्र भारत में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक माध्यम मिला। आपने देखा होगा, चाहे सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब 1998 से लेकर के 2004 तक सरकार कार्य कर रही थी, उस सरकार का लक्ष्य भी गरीबों का उत्थान रहा है। उसका माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनेक योजनाएं उस समय चली। केंद्र में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, इसके पीछे भी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प है। हर गरीब के हर नौजवान को काम, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का यह संकल्प हमें उन सभी कार्यों को करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, जिसकी पहले कोई कल्पना ही नहीं करता था। आप अनुमान करिए, कोई सोचता था कि किसान भी सरकार के एजेंडे के हिस्से बनेंगे, महिलाएं सरकार के विकास के एजेंडे के हिस्से बनेंगे, जाति तो बनती थी, मत और मजहब भी बनते थे, लेकिन गांवों को विकास का आधार बनाया जाएगा, गरीब को विकास का आधार बनाया जाएगा,
किसान और महिलाओं को, युवाओं को आधार बनाकर के योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो चमत्कार सर्वांगीण विकास का देखा है, यह चमत्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही प्रेरणा है, जिसके आधार पर आज हर नौजवान को रोजगार और नौकरी की गारंटी मिल रही है। जहां पर महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, एमएसपी के आधार पर लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है, जहां गरीब के घर में चूल्हा भी जल रहा है और संकट के समय फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी सरकार उसे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है, एक गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है, तो जिस गरीब के पास मकान नहीं, सिर ढकने के लिए एक आवास की व्यवस्था हो या एक शौचालय की सुविधा, यह भी इसी प्रेरणा का आधार है। ये जो एमएसएमई है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, जो रोजगार सृजन का एक माध्यम बनता है, लेकिन बिना किसी आप हो हल्ला के चुपचाप लोगों के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनता है, इस पर किया जा रहा कार्य भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा का आधार है, उनकी प्रेरणा है। आज जब उनके इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर उनकी प्रेरणा हम सबके लिए प्रकाश स्तंभ बनकर के, प्रकाश पुंज बनकर के एक नई हमेशा प्रेरित करते रहेगी, इस विश्वास के साथ मैं आप सब कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए जा रहे आप सबके प्रयास, मुझे लगता है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति हम सबकी ओर से विनम्र नमन और श्रद्धांजलि है। एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। मैं आमंत्रित करता हूं लखनऊ महानगर अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी। साग्र बुद्धि के होने के नाते स्कॉलरशिप मिलती गई और उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई। भारत और भारत उनकी जन्मभूमि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।